हमने अभी एक नया फैशन स्टोर खोला है, माय नाइन फैशन स्टोर, शहर के बीचों बीच सभी नए कलेक्शन के साथ लेडीज बैग्स, एस्पेनो, लोकस, एनिग्मा, ट्रॉली बैग्स, पोलो क्लब यूएसए, वेंटेक्स जर्मनी, फुटवेयर ओन मैन्युफैक्चर, न्यू अराइवल लेटेस्ट कलेक्शन, लेडीज शूज, हैंडबैग्स, सैंडल, मेन शूज एंड स्लीपर, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। तो आज ही आइए माय नाइन फैशन स्टोर। मुबरा बाईपास पर फिर हुआ हादसा, भारी भरकम मशीन का पार्ट मुबरा बाईपास से नीचे गिरने से बचा। दो दो मंत्रियों ने किया था मुबरा बाईपास का उद्घाटन। आज जर्जर हो चुका मुबरा बाईपास, दे रहा हादसों को न्योता। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुबरा बाईपास पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है। एक ट्रक पर बॉयलर, जो एक मशीन का पार्ट होता है, वो लोड था और मुबरा बाईपास ब्रिज से जा रहा था ये ट्रक, मगर रोड खराब होने की वजह से करीब 20 से 22 टन का ये बॉयलर बगल से ही गुजर रहे एक कंटेनर पर गिर गया। गनीमत रही कि कंटेनर ट्रक के बिल्कुल बगल में था, इस वजह से बड़ा हादसा टल गया, वरना ब्रिज से ये बॉयलर, जो मशीन का पार्ट है, ये नीचे रोड पर गिरता और बड़ा हादसा हो जाता। गनीमत रही कि इस कंटेनर की वजह से बच गया, मगर जिस ट्रक पर ये बॉयलर लोड था, उस ट्रक की बॉडी पूरी तरह से टूट गई है। इसका वजन करीब 20 से 22 टन बताया जा रहा है। ये हादसा रात में करीब 9 बजे के आसपास में हुआ है और करीब 3 बजे रात में मुबरा बाईपास पर रास्ता खोला गया। करीब इस दौरान 5 से 6 घंटे भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही, दोनों तरफ का रास्ता बंद रहा। अब सवाल उठता है कि मुबरा बाईपास पर इतने हादसे क्यों होते हैं? इसकी वजह है मुबरा बाईपास की दुर्दशा। दो दो मंत्रियों ने इस बाईपास का उद्घाटन किया था, एक रात के 12 बजे तो एक दिन में 10 बजे, लेकिन अब ये मुबरा बाईपास अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। तस्वीरें देखें किस तरह से लोहे के छड़ तक दिखाई दे रहे हैं, मगर सिर्फ लीपा पोती करके इसे ठीक कर दिया जाता है। 4 दिन बाद फिर उसी हालात में ये बाईपास हो जाता है। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही भी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि मुबरा बाईपास का मरम्मत कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। ट्रक ड्राइवर शहरयार ने बताया कि रबाले से गुजरात ये भारी भरकम मशीन का पार्ट लेकर जा रहा था और रोड सही न होने की वजह से एक तरफ बॉयलर चला गया और दूसरे कंटेनर से टच हो गया, जिसके बाद ट्रैफिक विभाग, अग्निशामन दल मौके पर पहुंच गए और 5 से 6 घंटे बाद इस ट्रक से भारी भरकम इस मशीन पार्ट को हटाया गया, जिसके बाद एक दूसरे वाहन पर इसे लोड करने की कोशिश की गई, मगर उस पर भी ये लोड नहीं हो पाया, जिसके बाद इसे नीचे रोड पर ज़मीन पर ही रख दिया गया और दोनों तरफ जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद दोनों तरफ की गाड़ियों को छोड़ा गया। मगर क्या मुबरा बाईपास का मरम्मत कार्य किया जाएगा या फिर इसी तरह से खराब रास्तों की वजह से हादसे होते रहेंगे? तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार।